बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, संयोजक साकेत मुक्ति आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं, तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, समान विचारधारा के लोग, बहुजन आंदोलन के लोग, श्रमण संस्कृति के लोग पूरे देश में जाग गए हैं। जब से सरकारों में मनवादियों लोगों में उथल पुथल आ गई है, जब से ये अयोध्या का मुद्दा गरबाया है, हम लोगों ने अपनी आंखों से वहाँ हो रहे अत्याचार को देखा है, बौद्ध अवशेषों को नष्ट करते हुए देखा है और खबरें आ रही हैं कि उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। तब से मनवादी बौखला गए हैं, अल्पजन बौखला गए हैं और वो मुझे इंटरनेट के माध्यम से, नेट कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से धमकियां दे रहे हैं और हमें जान से मारने की कह रहे हैं। लेकिन मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। याद रखना, अगर मैं संघर्ष करते मारा गया तो शहीद कहलाऊंगा, अगर आप घर बैठे मारे गए दुनिया में कोई आपको याद नहीं करेगा। इसलिए इस मुद्दे पर साथ आएं, एक दूसरे का सम्मान करें। आज ये लड़ाई व्यक्ति की और संगठन की नहीं है, आज ये लड़ाई विचारधारा की है। देश भारत के बहुजनों को मिलकर लड़ना होगी, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम उनसे लोहा ले पाएंगे। मेरी अपील है कि इस मुद्दे पर साथ आएं, ये मान सम्मान का विषय है, तभी हम अपना लोहा मनवा पाएंगे कि देश मेरा है, संविधान मेरा है। देश भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है जिसमें करोड़ों लोग शामिल हो गए हैं। हमारे आह्वान पर, साकेत मुक्ति आंदोलन के आह्वान पर, भारत के 123 जिलों में कल DM को ज्ञापन दिया गया। 3 डेटें निश्चित की गई थी, 26, 27 और 28। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है 28 तक कम से कम 700 जनपदों में ये खबर चली जाएगी कि देश भारत की सरकार, देश भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत के मनुवादी लोग बौद्धों पर अत्याचार कर रहे हैं। अयोध्या में खुदाई के दौरान जो मिल रहे बौद्ध अवशेष हैं, उनकी सुरक्षा करने की बजाय उनको वो बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। मेरा आह्वान है, आप सभी लोग इस आंदोलन को जन जन तक ले जाएं। जब तक ये लॉकडाउन लगा है, मुझे संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी। हमें संविधान के बिल्कुल खिलाफ नहीं जाना होगा, क्योंकि संविधान बनाने वाले हम हैं, संविधान लिखने वाले हम हैं। अगर हम ही उसका पालन नहीं करेंगे तो कौन पालन करेगा। मेरी पूरे भारत के लोगों से अपील है कि इस मुद्दे पर सभी साथ आएं और अपने मान सम्मान की लड़ाई को मिलकर के लड़ें। मैं फिर अगली सूचना के लिए आपके बीच में आता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।